हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं साइकियाट्रिस्ट, हिप्नोथेरेपिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट, एक एनएलपी ट्रेनर और एक कोच हूँ। अकोला में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। काफ़ी सारे लोग मेरे पास में आते हैं, बोलते धंधे में बरकत नहीं है, धंधा चलता नहीं है। मैं उनको पूछता हूँ कि आप धंधा क्यों करते हो। काफ़ी सारे लोग मेरे पास में आते हैं कि जो बोलते हैं कि भाई मैं नौकरी करता हूँ और नौकरी बोर हो गई। उनको पूछता हूँ आप नौकरी क्यों करते हो। एक सर्वे के अनुसार जो जो लोग नौकरी पे जाते हैं उनको यदि पूछा, मतलब सर्विस करते हो, कहीं कर्मचारी करके काम करते हैं, उनको यदि पूछा कि आप नौकरी पे क्यों जाते हो, तो उनका जवाब ये मिलता है कि भाई तनख्वाह मिलती है, पैसा मिलता है, इसलिए हम नौकरी पे जाते हैं। या धंधा भी किसको पूछा कि आप धंधा क्यों करते हो, तो बोलते पैसा कमाने के लिए, घर चलाना है, धंधा करते, घर चलाना पड़ता है, पैसा मिलता है। मतलब 90% 95% लोग तो यही जवाब देंगे कि भाई मैं काम पे क्यों जाता हूँ, मैं धंधे पे क्यों जाता हूँ, क्योंकि मुझे पैसा कमाने का है, मुझे घर चलाने का है, मेरे को जीवित रहने का है ना, सर्वाइवल है मेरा। लोग ये नहीं बोलते कि मैं जो काम पे जा रहा हूँ वो काम करने से लोगों को क्या फ़ायदा होगा। क्योंकि मैं पूछता हूँ कि भाई आपको पैसा कमाने का है, ठीक है, आपको पैसा कैसा मिलेगा। जो काम आप कर रहे हैं वो यदि काम आप अच्छी तरह से करते हो, यदि लोगों को वो काम से फायदा होगा, यदि लोग वो काम से सुखी समाधानी होंगे, तो फिर लोगों को फायदा हो तो आपको आपका धंधा अच्छा चलेगा। मतलब आपको एक्चुअली करना क्या है, आपको करना ये कि जो धंधा आप कर रहे हैं उसका जो इंटेंशन है, उसका जो उद्देश्य है कि भाई वो करते करते दुनिया को क्या फायदा होगा, लोगों को क्या फायदा होगा, वातावरण में क्या फर्क पड़ेगा, वो काम आपका है और उसके लिए आप काम करते हो। जैसा मैं पूछता हूँ लोगों को, डॉक्टर को पूछा कि भाई आप डॉक्टर क्यों बने, बोले बहुत पैसा मिलता करके। डॉक्टर बहुत पैसा मिलता करके डॉक्टर बने कि लोगों को अच्छी हेल्थ देने का है, अच्छा आरोग्य देने का है, उसके लिए आप डॉक्टर बने। अच्छा चलो ये बात छोड़ो कि बहुत पैसा कमाने का, ठीक है, हरकत नहीं, इसलिए डॉक्टर बने। मगर बहुत पैसा मिलेगा कैसा, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अच्छा करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेहत सुधारोगे, ज़्यादा की ज़्यादा मतलब ज़्यादा से लोगों को उनकी बीमारी अच्छी करेंगे, तो नेचुरली आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो मतलब आप काम पे जब जाते हो तो आपके दिमाग में यदि ये उद्देश्य रहे कि भाई मुझे जो काम करना है वो काम मैं अच्छी तरह से करूँ और उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा होगा, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिलेगा। क्योंकि आपको किसको भी पूछो तो वो वही बोलेगा कि नहीं, मैं धंधा इसलिए करता हूँ कि मुझे पेट भरने का है, धंधा इसलिए करता हूँ कि मुझे पैसा कमाने का है। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जो ऐसा बोलता है कि नहीं नहीं मुझे है ना लोगों के जीवन में फर्क लाने का करके मैं ये काम करता हूँ। मैं हरदम एक एग्जांपल देता हूँ कि एक मंदिर का बांधकाम चालू था, वहाँ काफ़ी मजदूर काम कर रहे थे, बहुत कड़ी धूप थी दोपहर को 2 बजे, और वहाँ एक मजदूर को उसको पूछा कि भाई आप जो सिर के ऊपर पत्थर लेके जा रहे हैं तो वो क्यों जा रहे हैं। बोले क्या करना है, 300 रुपये रोज मुझे मिलता है, मजदूरी मिलती है, इसलिए मैं सिर के ऊपर पत्थर लेके जा रहा हूँ और मंदिर का वो जो काम चले वहाँ पत्थर लेके वहाँ पहुँचा रहा हूँ। ठीक है, बोले अच्छा है, बहुत अच्छा है। दूसरे को पूछा कि भाई आप सिर के ऊपर भर दोपहर को 12 बजे इतनी कड़ी धूप में ये क्या कर रहे। बोले क्या करना है, वो दीवार हमको बांधने के मंदिर की, वो शाम तक नहीं बांधा तो हमारा ठेकेदार चिल्लाएगा, तो इसलिए मेरे को जल्दी जल्दी काम करना है और वो दीवार बांधने के लिए मैं पत्थर लेके जा रहा हूँ। तीसरे को पूछा कि आप क्या कर रहे हो, बोले उसने जवाब दिया कि भगवान कृष्ण का मंदिर बांधने का काम मैं कर रहा हूँ और इसलिए मैं ये पत्थर लेके जा रहा हूँ। तो देखो काम कौन सा कर रहा है, काम भगवान कृष्ण का मंदिर बांधने का काम कर रहा है, जहाँ लोग आएंगे, लोग बैठेंगे, लोग पूजा करेंगे, तो लोगों के मन को शांति मिलेगी। हालांकि तीनों लोगों को 300 रुपये रोज मिल रहा था, मगर एक पापी पेट का सवाल करके काम कर रहा था, दूसरा दीवार बांधने का काम कर रहा था, और तीसरा लोगों को शांति मिलेगी भगवान कृष्ण का मंदिर बांधने के बाद में, इसलिए काम कर रहा था। तो पैसा सभी को मिलता है, पैसा किसको नहीं मिलता, और पैसा होना ही है, पैसा चाहिए, क्योंकि हमको कोई खरीदना है, हमको गाड़ी में पेट्रोल भरना है, कार खरीदनी है, बाइक खरीदनी है, कपड़े खरीदना है, खाना खाना है, तो पैसा तो लगेगा ही। मगर पैसा कमाने का उद्दिष्ट आपने रखा तो फिर आप सफल नहीं हो सकते। इसलिए आप धंधे पे, जब भी कोई धंधे पे जाता है वो यदि उसके लिए जाता है कि भाई मैं जब जो धंधा कर रहा हूँ, जो भी मैं धंधा कर रहा हूँ वो धंधे
वो धंधा करने से लोगों के जीवन में सफलता मिलेगी, लोगों का जीवन अच्छा हो जाएगा, लोगों को मैं सर्विस दे रहा हूँ, लोगों के जीवन में फर्क कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली उसका धंधा भी अच्छा होगा, उसके मन को भी शांति मिलेगी, धंधा बहुत ज़्यादा होगा और बहुत ज़्यादा पैसा भी आपको मिलेगा, और पैसा मिलने के बाद में जो भी आपको पैसे से खरीदना है वो आप खरीद सकोगे। सो थैंक यू वेरी मच। जो जो लोग इस तरह का आपसे बात करेंगे कि नहीं मैं पैसा कमाने के लिए काम कर रहा हूँ, जरूर वो लोगों से ये वीडियो शेयर कीजिएगा, उनको पता चलेगा कि वो पैसे के लिए काम नहीं कर रहे करेंगे, वो आज से काम करेंगे लोगों के जीवन में फर्क डालने के लिए, और उससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो आपके संपर्क में जो भी लोग आते हैं और जो भी कोई बोलता है कि नहीं मुझे पैसा कमाना है इसलिए मैं नौकरी पर जाता हूँ, इसलिए मैं काम पर जाता हूँ, तो उसको जरूर ये वीडियो शेयर कीजिएगा, उनके जीवन में फ़र्क पड़ेगा और हमारा एक समाज, एक आदर्श समाज बनेगा। यहाँ के सभी लोग ऐसा काम करेंगे कि वो कुछ तो भी बड़ा काम करना है करके काम कर रहे, ना कि सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम कर रहे। सो थैंक यू वेरी मच। ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।